एवरीवन और स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और सो गाइस, इस टाइम हम लोग हैं यानी कि हिंदू पवित्र स्थल यानी कि वाराणसी जंक्शन में। आप लोग को जैसा पता होगा, वाराणसी जंक्शन माना जाता है श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने काशी विश्वनाथ के लिए। और इससे कुछ लगभग दूरी पे एक है अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि श्री राम मंदिर के लिए माना जाता है वो रेलवे स्टेशन अयोध्या। तो सो गाइस, आज हम लोग की जर्नी वहीं तक होने वाली यानी कि श्री काशी विश्वनाथ से यानी कि वाराणसी जंक्शन से अयोध्या तक, श्री राम मंदिर तक। गाइस, इस दौरान हम लोग का सफ़र होने वाला ट्रेन नंबर 13009 दून एक्सप्रेस में, जो कि हावड़ा से चल के योग नगरी ऋषिकेश तक चलती है, जो कि हावड़ा से रात को 8:25 निकलती है और तीसरे दिन सुबह 5:30 आपको पहुंचा देती है योग नगरी ऋषिकेश। बट हम लोग इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं अपने वाराणसी जंक्शन से। सो गाइस, चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। शुरू करने से पहले यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर का दर्शन भी कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और अपनी ट्रेन का एक्चुअल टाइम है 10:20 वाराणसी जंक्शन पे, पर टाइम हो चुका है 10:21 पर अपनी ट्रेन अभी तक नहीं आई है, बस आने ही वाली है। तो ट्रेन आती है तो ट्रेन का अराइवल देखते हैं। तो गाइस, अपनी ट्रेन में लोकोमोटिव लगा है हावड़ा सेट का वेब 4 और सेकंड सीटिंग एकदम फुल ऑन पैक है। ट्रेन आ चुकी है और हम लोग इस ट्रेन से लगभग 188 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने वाले हैं 10 हॉल्ट के साथ 3 hours 30 minutes में। सो गाइस, अपनी ट्रेन का हॉकिंग हो चुकी है और यहाँ पे पानी फिल किया जा रहा है अपनी ट्रेन में दून एक्सप्रेस में। अपनी ट्रेन निकल चुकी है वाराणसी जंक्शन से, 20 minutes डिले। अपनी दून एक्सप्रेस 711 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अपने पहुंच चुकी है बाबतपुर, और हम लोग का ये फर्स्ट हॉल्ट है 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद। और बाबतपुर जो है ना, ये वाराणसी का एयरपोर्ट भी यहाँ पे बाबतपुर, जैसा कि आपने पीछे देखा होगा एयरपोर्ट था लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है 25 minutes डिले और अपनी ट्रेन यहाँ पे बस 1 minute का हॉल्ट है। कहाँ का रेलवे स्टेशन है बाबतपुर। Thank you.
जलालगंज बाबत कुछ निकलने के बाद अब हम लोग का नेक्स्ट हॉल्ट आने वाला है जलालगंज, फिर उसके बाद आने वाला है खालिसपुर। तो इन दोनों स्टेशन पर हम लोग करेंगे स्किप, फिर आपसे सीधे मिलेंगे जौनपुर में, क्योंकि ये दोनों स्टेशन काफ़ी छोटे छोटे हैं और बहुत सी वीडियो में कवर भी कर चुके हैं। तो सीधे मिलेंगे जौनपुर में। अपनी 2750 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच चुकी है जौनपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है JNU। और हम लोग की ट्रेन यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे आई है 40 मिनट डिले। अगर जौनपुर रेलवे स्टेशन बारे में बात करें तो 5 प्लेटफॉर्म पर रेलवे स्टेशन है, 52 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, और यहाँ से 8 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 8 ट्रेनें ऑरिजिनेट। ट्रेन निकल चुकी है जौनपुर जंक्शन से, और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है सारण की तरफ, और एक जाती है जफराबाद की तरफ, और एक लाइन जाती है ऐसे उड़ीहार की तरफ। अपनी 2783 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद पहुंच चुके सागर, जिसका स्टेशन कोड SHG, और यहां पे 4 प्लेटफॉर्म है, पर डे 52 ट्रेनों का हॉल्ट है, और यहां से 2 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 2 ऑरिजिनेट सागंज जंक्शन से। और ये जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक तरफ हम लोग आ रहे हैं जौनपुर तरफ से, और एक लाइन यहाँ से आती है आजमगढ़ की साइड की तरफ। और भाई गर्मी जो लग रही है ना ट्रेन में, अयोध्या तक पहुँचने में लग रहा है हालत ख़राब हो जाएगा, इतनी गर्मी लग रही है, और ऊपर से गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं वो अलग ही। और पीछे यहाँ पर देख रहे हैं शोर हो रही है, यहाँ पर आपको खाना पीना मिल जाएगा, पकौड़ी वकौड़ी कचौड़ी क्या हो गया। 5 मिनट का हॉल्ट है और अपनी ट्रेन आई है यहाँ पर 1 आवर 40 मिनट डिले। ठंडा पानी, मैंगो जूस, कचौड़ी, समोसा, सब चीज़ यहाँ पे सागंज में लंच के लिए मिल जाएगा। अकबरपुर, जिसका स्टेशन कोड है ABP, और हम लोग की ट्रेन के यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पे 1 आवर 40 मिनट डिले। अकबरपुर रेलवे स्टेशन के बारे में बात करें तो ये प्लेटफॉर्म 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 40 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट है, यहाँ से ना कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है और ना ही ऑरिजिनेट होती है। और जंक्शन पॉइंट किस लिए बता दें तो एक हम लोग पीछे से लाइन आ रही है जौनपुर लाइन, और एक यहाँ से लाइन जाती है टांडा की तरफ, और जो टांडा वाली लाइन है वो बस गुड्स ट्रेनों के लिए और कोल थर्मल पावर के लिए बस उस रूट पे ट्रेन जाती है, और ये पैसेंजर वाली ट्रेन जो होती है ना अपनी, ये सब ट्रेन नहीं जाती है।
भीड़ देखिए गोरखपुर जंक्शन पे, मतलब यात्रियों का मूवमेंट एकदम चलता जा रहा है। ट्रेन निकल चुकी है अकबरपुर से और यहाँ देखिए पानियों की बरसात हो रही है। सही है यार, गर्मी में सकता टैंक फुल हो गया होगा। चलिए डिपार्चर देखते हैं। अब यहाँ से अपना जो डेस्टिनेशन है अयोध्या जंक्शन यानी कि श्री राम जन्मभूमि, बस बचा है 50 किलोमीटर। तो अब मिलते हैं सीधे वहीं पे अयोध्या जंक्शन में, क्योंकि गेट के पास इतनी गर्मी है, जॉगिंग करना बन नहीं रहा है क्योंकि इतना तेज़ धूप है और गर्म हवा चल रही है ना। तो अब सीधे मिलते हैं अयोध्या में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या और अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में। और हम लोग इस टाइम प्लेटफॉर्म के बाहर और आपको दिखाते हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन कैसा है बाहर से। कुछ इस प्रकार का है अयोध्या रेलवे स्टेशन, ये देख सकते हैं सामने अयोध्या जंक्शन। और यहाँ पे एक फ़ोटो लगाई गई है, श्री राम जी की फ़ोटो लगाई गई है जो कि काफ़ी अच्छी है। और ये है कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन, और इधर भी रेलवे स्टेशन बन रहा है काफ़ी अच्छा अयोध्या में, जो कि ये इधर देख सकते हैं सामने ओवर कंस्ट्रक्टेड है अभी, बट ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। जो बाहर जो फ्रेम लगाया गया ना श्री राम जी का, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस कुछ इस प्रकार का रेलवे स्टेशन है। और इस साइड से जो रास्ता गया है सामने, इधर से आप श्री राम जन्मभूमि जा सकते हैं। ये सब ऑटो है, देख सकते हैं ई रिक्शा है, लगभग 10 किलोमीटर है यहाँ से, तो आराम से ये सब आपको मिल जाएगा, तो इससे आप जा सकते हैं। तो गाइस कुछ ये था अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन आपने देखा, और आपको सब बता दिए कि आप यहाँ से जा सकते हैं कैसे कैसे सारी चीज़ें। तो सो गाइस हम लोग का ब्लॉग था यहीं तक, फिर हम लोग इस ब्लॉग को करते हैं यही पिंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।